वज़ीर हायर एजुकेशन राधा यासिर हुमायूं और शहबाज गिल की तरदीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने मज़ीद क्या कहा ये आपको भी सुनवाते हैं। सवाल ये था कि क्या ये दुरुस्त है कि लैपटॉप की खरीदारी में जिम्मेदारान ने कम कीमत कंप्यूटर ज़्यादा कीमत में ख़रीदे और हज़ारों की तादाद में गायब भी हुए। क्या ये दुरुस्त है कि इस प्रोजेक्ट में सियासतदान और सरकारी अफसरान बदनवानी घपले रिश्वत और गबन में मुर्तकब पाए गए हैं? अब ये हैं, ज़रा आखिरी देख लें कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही कि क्या अब तक ऐसा हो चुका है। तो इसका जवाब यह कि ये दुरुस्त ना है कि अभी तक नहीं हुआ, अभी तक किसी फर्द किसी किस्म की बदनवानी में मुर्तकब नहीं पाया गया। लेकिन आगे लिखा ताहम, ये बट काइंडली, ये इंग्लिश में यहाँ पे बट लगता है, सियाको सबा के बगैर खबर ऐसी होती है, बट नैब लाहौर इज़ इन्वेस्टिगेटिंग इट, मार्च से इंक्वायरी चल रही है और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ उसमें कोई, तो इस पर इंक्वायरी नैब में हो रही है। अगर नैब इवेंचुअली किसी को मुलजिम से मुजरिम नहीं बनाती तो फिर हम भी किसी को नहीं बनाना चाहते, हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है किसी से। आपको बताते चलें, लैपटॉप स्कीम का ये मामला है, वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं और शहबाज गिल की जानिब से तरदीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई।